हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दोस्तों, इसके कल तो कैसे आप, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो मैं अम्मी के साथ वीडियो नहीं बना रही क्योंकि अम्मी थोड़ा सा बिजी थी और मैं वीडियो बनाते बनाते आज थोड़ा लेट हो गई। तो मैंने सोचा कि अम्मी को तकलीफ ना दी जाए और खुद ही वीडियो बना लूँ, और वैसे भी अम्मी के साथ उतनी ही वीडियोज़ बनाऊँ जितना वो ईजिली बना सकें। तो आज की जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आरजू जी की वीडियो, और मैंने इनकी वीडियो में ही मुझे पता लगा साजिद तरर साहब जो हैं वो जी इंडिया गए हैं, मे भी गए हैं, मुझे लगा, मतलब एक वीडियो में ना इन्होंने ऐसे लिखा हुआ था। और आज की वीडियो भी इनकी उन्हीं के साथ है, और वीडियो का नाम है कि अगली बार फिर पीएम मोदी सरकार। तो देखते हैं आज की वीडियो, वीडियो का नाम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और उम्मीद है कि बहुत अच्छी एक गुफ्तगू होगी, डिबेट होगी जो हम लोगों को सुनने को मिलेगी, और मज़ा आएगा वीडियो देखने का। वीडियो कम तक देखिएगा, पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। हमारे साथ हैं जी साजिद तरार साहब, और इस बार तारण साहब जो है वो इंडिया से हमारे साथ हैं, इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में होने भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इस बार सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरे इतना एक जो रिलेशनशिप, इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है, यहाँ मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है, ये है, हम पता नहीं, हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली अगर देखा जाए तो। आप देखिए जरा कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है, इंडस वैली सिंध जो है उसका, उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चनकिया सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज, मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे तो वहां पे मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है, तो ही वॉज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने, बल्कि आप हैरान होंगे आरजू के, इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टीजियस होटल जहां मैं ठहरा हूँ, और वो जो मुझे वो जो सैगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सैगल है, तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माई यंगर ब्रदर, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें, मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मेरे मैं जो मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं आप। तो मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए दो दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप, मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं, तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं उसके बाद मुसलसल, और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं बस शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी इकट्ठा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे, और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया, उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400 जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के, वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो, और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे, मोदी साहब की हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर, मुझे लग रहा है अचीव करेंगे। और दूसरा
इस वक्त जो है चल रहा है नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं देखा जाए तो अजरबैजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकड़ साहब जो है वो सेनेट के चेयरमैन बन रहे हैं। तो खबरें तो बहुत है, लेकिन दुख के साथ अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था एक चट्ठा साहब, मैं माजरत के साथ ही, ये नहीं कि उनकी मैं कोई करेक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है, एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है। और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया, हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज, वो तो स्टेट को पैसे देते हैं स्टेट से वापस लेते हैं, आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले। खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में अगर जाती तौर पे पूछे, मैं दो तीन जो बातें पिछले दिनों सामने आई हैं, दो बातें बल्कि हमारे अफजल चंद साहब के हवाले से जो पॉलिटिशियन है उनके हवाले से दो खबरें हैं, बल्कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं जाके इमरान खान साहब के पाँव पड़ जाऊँ जाके जेल में, के पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो दूसरा जब चंद साहब की बात हो रही है तो फिर उन्होंने अगले दिन एक नया इल्जाम लगाया कि 5 करोड़ रुपया मांगा गया उनसे इलेक्शन जीतने के लिए, ये भी खबर है उसमें। आज जो मैं उनका बहुत फैन हूँ, शबर जैदी साहब का, वेरी आउटस्पोकन, वेरी ब्लड स्पोकन स्पीकर, वेरी सिंसियर पाकिस्तानी, उनकी एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो ऐसे कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को चाहिए अडियाला जेल जाके खास साहब को साथ लेकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाए उन्होंने। लेकिन मैच्योरिटी जी आरसू, आपका वो आप रुक गया था सिलसिला उसमें? नहीं नहीं सर, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको सॉरी, आप करिए आपकी बात, सॉरी मैं कर लूंगी इसको। लेकिन उसमें आरसू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है IMF से वो क्यों लिया जा रहा है, वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको $24 बिलियन जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने, लेकिन कौम को इत्माद में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करें, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता। मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का, जो रियल स्टेक होल्डर है उनको, उनका ये फर्ज बनता है कौम को बताएं कि $6 बिलियन IMF से लिया जाएगा, इसके पाई पाई का हिसाब ये होगा। फिर मेरे जैसे लोग जो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लंदन की रियल स्टेट महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टोरंटो भागना शुरू हो जाएंगे आपके अफसरान, ये उन सब चीजों को तकवीयत मिलती है। $6 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। काकड़ साहब से पीछा नहीं छुटेगा हमारा, इसका मतलब है काकड़ साहब फिर रहेंगे। हाँ जी, काकड़ साहब आ रहे, काकड़ साहब को लाने वाले सॉन्ग है, काकड़ साहब का कोई कसूर नहीं, काकड़ साहब तो एक एवरेज है, मेरे जैसे एक आम से आदमी है, उनको लाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो पीएस पार्टी में अब जा रहे हैं और फिर वो सेनेट में जाएंगे। ये सारा लाने वाले, देखिए ना मैंने आपको बताया था कि काकड़ साहब को सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए शायद, वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को, वो आइडिया तो चोरी हो गया ना, आइडिया चोरों की चीजें चोरी हो जाती है, फिर उनका फिर उसका हल कोई मौजूद नहीं है, क्या करें। लेकिन ये कि लंदन से आए हैं, लंदन चले जाते हैं, उनका क्या है यहाँ पे, दे डोंट हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन उसमें आरजू जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड्स स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1,00,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी,
भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इसराइल जाएंगे और इसराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इसराइल से आते हैं। तो फिर उसमें हमारा नहीं देखे, मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उसे देखे उनकी लिस्ट है, नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे, यही कमजोरी है। मैं तो इनसे मिनटें कर करके मर गया हूँ। मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुम शायद पता नहीं इंडियन क्यों इतना करते हो। चलो इंडिया का मॉडल नहीं पसंद आ रहा, बांग्लादेश का, चाइना का देख लो, जिनकी हिमालिया से ऊपर है उनसे ही सीख लो कुछ यार। वो पठान भाई है तुम्हारे, तुमने अपना सारा मुल्क तबाह कर लिया उनका, अब तो अफगानी करेंसी आपकी तो वो भी बेहतर है आपकी, उनसे लो हो। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ना, आप बस आपको पता नहीं क्या शौक है, जुनून है कि जिहाद करना है, हालांकि आपको पता है आप जिहाद नहीं कर सकते। सही बात है, आप जिहाद आपने किया ही नहीं है माजी के अंदर। ये जो लौटे रपाड़े हैं, इनको हिस्ट्री की किताब 10 रुपए की लेकर दे, इनको देके पढ़ो यार। तुम्हारे अबाओ इजदाद जो थे वो पठानों के सामने लेट जाते थे, वो कभी उन्होंने जिहाद नहीं किया माजी के अंदर। क्यों इसके साथ टाइम जाया कर रहे हो? मैथ पढ़ो खुदा के लिए अगर बचना चाहते। सर आप उर्दू में बात तो समझ में नहीं आती। मैं इस वक्त आरजू ओबराय होटल में बैठा हूँ। बिल्कुल सर, आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहाँ आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिये मेरे ख्याल में दो चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते, उसकी वजह ये है दोनों ममालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया। लेकिन वो जो डिफेंस के ऊपर किया गया सोचें, अगर वो तालीम पे लग रहा होता फिर तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं। अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते ऐसी आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। मौलाना आजाद जो है, जो यहाँ के भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जो 13 पॉइंट उन्होंने बताए थे लिखे, जरा वो खोल के देख लें आप, सारे वो फुलफिल होते नजर आ रहे पाकिस्तान के ऊपर। और जो उनका आइडिया था कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमान ये सारे इकट्ठे होते, मुस्लिम्स बेटर ऑफ होने थे, ये भी एक बात है। ये पूरा खिता जो है वो पुरसकून होना था, ये भी एक बात है। और दूसरा ये है कि मैं बार बार मुझे इस चीज का एहसास होता है कि ये इंटेलेक्ट सारा, बल्कि यहाँ पे कल भी एक डिस्कशन में मैं बैठा था कि यहाँ से कई वेद की किताबें जो जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस ने, और कई जो एजुकेशन है, खासकर जिस तरीके से मैं टेक्सला यूनिवर्सिटी से बड़ा इंस्पायर हूँ, चनकिया जो सिविलाइजेशन है सारी उनकी, तो वो देखें वो कितना मैकिया वैली और दूसरे सबसे बहुत ज्यादा, वो तो डिविंची वगैरह सब बहुत ज्यादा आगे था काम उनका। लेकिन हमने उसको बस निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। और फॉरेन इन्वेडर्स, चाहे वो गोरा हो चाहे पठान हो, मुगल देखे ना, मैं बल्कि आज कल देख रहा था, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे अपने कमरे से हमायों का टोम नजर आता है, उनका जो टोम है वो नजर आता है, मजार उनका ऐसे ओबराय होटल से। और मैं बल्कि अभी निजामुद्दीन औलिया जा रहा हूँ दरगाह के ऊपर भी दुआ करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए, भारत के लिए दुआ करने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए दुआ करने जा रहा हूँ कि खुदा पूरी दुनिया की मुसीबतें जो है आसानियां पैदा करे हर इंसान के लिए, जो भी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो कुछ भी है, सबके लिए दुआ करूंगा जाके। लेकिन उसमें बात यह है कि आरजू मैं मुझे डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है कि I'm on a foreign soil or foreign land, बिल्कुल कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन हो इस खत्ते के अंदर, सारा खत्ता मिलकर तरक्की का एक बायस बने, अमन यहाँ हो, ख्वाहिश तो है, सुकून हो यहाँ पे, और चीजें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका उस तरफ नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अगला दौर जो है तालीम का और प्यार मोहब्बत का दौर है मेरे ख्याल में, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं। मगर सर हमसे जो अलग हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो या भारत, वो तरक्की कर गया, तो कुछ गड़बड़ तो हमारे अंदर ही होगी ना, ऐसा ही है, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? देखिए उसमें कोई एक चीज एलिमेंट नहीं है आरजू, उसमें तो बहुत बड़ा डायलॉग है और 50s से है, आज का नहीं है, शुरू से ही है। जिस तरीके से लोग तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि कायदे आजम साहब जब गवर्नर जनरल बने थे और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी वक्त ही
پاور کا آپ تعین نہیں کر سکے اس کے بعد کہ پاور کس کے پاس ہونی ہے. وہیں سے کنفیوژن تھا, آج بھی آپ کنفیوز ہیں, 18ویں ترمیم پہ آپ کنفیوزڈ ہیں. آج بھی آپ کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے, کبھی آپ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے, کبھی آپ کہتے ہیں قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن رکھے. یو آر کنفیوز, آپ کو پتا نہیں ہے, آپ کو آئیڈینٹی کرائسس اس سے الگ ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا, پتا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا مطلب کہ نظام سسٹم آپ کے ملک میں بنایا جائے ایسا کہ وہ خوشحالی لے کر آئے. اور وجہ صرف یہ نہیں ہے, وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو فکر بھی تو نہیں ہوتی ہے لوگوں کی. صرف یہ نہیں ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ سب نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سوچتے ہیں, کچھ لوگ عوام میں سے ہوتے ہیں جو کہ ملک کا سوچتے ہیں. ابھی یہ ینگسٹرز, کچھ ینگسٹرز, سب کی بات نہیں کی جائے گی یہاں پہ, کیونکہ بہت سے میں نے جاہل ابھی بھی دیکھے ہیں جو کہ جنہوں نے بہت ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی ریالٹی اور ریئل چیز کے, کیونکہ ان کی بکس میں نا وہی سب پرانا اور وہی سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نا ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت اور جو حقیقت ہے نا اس میں ان کو ڈفرینس پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بہت کچھ, بہت سی باتیں آ جاتی ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو, بہت کچھ پھر آ جاتا ہے اور بہت کچھ ہے. تو مجھے سیریسلی ان کو انڈیا میں دیکھ کے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آلریڈی بہت دفعہ انڈیا آئے ہوئے ہیں, تو لیکن وہ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں نا تو مطلب فرینڈس ہیں اور فیملیز ہیں اور اتنا پیار ملتا ہے, تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے وہ چیز دیکھ کے. تو بولتے کہ میرا دوسرا ہوم ہے وہ, تو ایک یہ چیز. اور میں نے ان کے ایسے جتنے بھی انٹرویوز دیکھے ہیں نا آج تک, مجھے ہمیشہ مطلب یہی چیز انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور حقیقت جب تک آنکھیں ہی نہیں کھول, مجھے نا کبھی کبھی لگتا ہے, ابھی مجھے مطلب کہ ایسا نا ایک فیل آئی کہ نا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں, میں شاید یہاں پہ ہوں, یہ کوئی خواب ہے یا یہ جو حالات ہیں یہ کوئی خواب ہیں یا پھر یہ سب کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, ریئیکشن دیکھ رہی تھی لوگوں کا, تو اس میں ایک بندہ تھا وہ بول رہا تھا کہ کاش کہ اس رات جب پاکستان انڈیا سے الگ ہوا تھا اور علامہ اقبال جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا, کاش وہ اس رات جاگ کے انہوں نے گزار لی ہوتی. بولتے وہ بھی سوچوں گے کاش میں نے وہ رات جاگ کے گزار لی ہوتی, میں نے وہ خواب ہی نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم لوگوں کے حالات یہ تو نہ ہوتے, وہ خود تو نہیں رہے. اور ظاہر سی بات ہے سب کو مرنا ہے, لیکن ملک کے آج کیا حالات ہیں, الگ ملک لے کے الگ ملک سے کیا حاصل ہو گیا ان کو, مجھے تو وہی چیز آج تک سمجھ میں نہیں آتی. اس ویڈیو میں بھی سوال پوچھا انہوں نے کہ اگر آپ وہاں پہ ہیں انڈیا میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ہوتے تو کیا ان کا ہمارے والا حال ہوتا ہے, ہمارا ان کے والا حال ہوتا, مطلب کہ کیا ہم بہتر ہوتے یا ہم نے ان کا بھی وہی حال کیا ہوتا جو آج ہمارا ہے. مجھے لگتا ہے بہتر ہوتے, انہوں نے بولا بہتر ہوتے, کیونکہ الگ ہونے کی وجہ سے یہ جو آہستہ آہستہ زہر عوام کے دماغوں میں گھول دیا گیا ہے نا, یہ چیز مے بی کچھ حد تک ہوتی بٹ اتنی زیادہ نہیں, ایکسٹریم لیول پہ جو ابھی ہے نا یہ نہیں ہو سکتی تھی اور یہ نہیں ہوتی. اور انڈیا کے ساتھ مل کے زیادہ زیادہ بہتر ہوتا, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. یہ ڈبیٹ بہت ہی زیادہ امیزنگ تھی, اور بھی ان کی ویڈیوز آئیں گی تو ہم لوگ اس پہ ویڈیو بناتے رہیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ لائک ضرور کیجیے, سبسکرائب کریے, شیئر کیجیے. میں نے میری امی کے ساتھ ویڈیوز بنائی پلیز وہ بھی جا کر دیکھیے, اور آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں وہ بھی ضرور بتائیے. تو آپ کو ملتے رہیں گے ایسی اور بہت سی ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی, جاری دے رہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, بائے.